हमारे साथ जुड़े रहने के लिए ज्ञान ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। क्या आप भी अपने मोबाइल के सारे फोटोज को पीसी या फिर लैपटॉप में डालना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि मोबाइल से हम पीसी में अपने फोटो को ट्रांसफर कैसे कर सकते हैं? तो फिर इस वीडियो को देखते रहिए। हेलो, नमस्ते, मेरा नाम है सनोज। तो चलिए इसे देखने के लिए चलते हम अपने फोन पे। सो यहाँ पर अब हम अपने पीसी पे हैं और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम अपने मोबाइल से जो भी फोटो होता है उसे हम अपने पीसी में कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। देखिए, इसके लिए बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल तरीका होता है। इसके लिए आपका जो चार्जर होगा, उसमें जो केबल होगा, वो केबल से आपको पीसी से, अपने पीसी से अपने फोन को कनेक्ट करना है। अब जैसे ही आप कनेक्ट करेंगे, कनेक्ट करते ही आपके फ़ोन में एक पॉपअप आएगा और वहाँ पे आपको ट्रांसफ़र फाइल्स करके होगा ऑप्शन, उस पर आपको टिक करना है। उसके बाद आपको अब पीसी पे आना है। अब आपका फ़ोन जो है वो अपने आपके जो पीसी है उससे कनेक्ट हो जाएगा। अब आपको अपने पीसी पे आना है और आपको यहाँ पे दिस पीसी पे डबल टैप करना है या फिर विंडो, आपके कीबोर्ड में विंडो की के साथ ई को प्रेस करना है। जैसे प्रेस करेंगे ये आपके सामने इस तरह से खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पे सबसे ऊपर में, सबसे फर्स्ट ऑप्शन में ही आपका फोन आ जाएगा। देख सकते हैं ये हमारा फोन आ गया। इस पे हम डबल टैप करेंगे और यहाँ पे इंटरनल स्टोरेज पे क्लिक करेंगे। जैसे इंटरनल स्टोरेज पे क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन खुल के आ जाएंगे। अब यहाँ पे आपका फोटो कहाँ पे होगा वो मैं आपको बता दूँ। आपको DCIM का एक फोल्डर मिलेगा, देख सकते हैं DCIM का नाम से एक फोल्डर रहता है। यहाँ पे आपको क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे आपको मिलेगा कैमरा, देख सकते हैं इसमें कैमरा का ऑप्शन होगा, इसमें आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपके सारे फोटोज यहाँ पे खुल के आ जाएंगे, जो भी आपने अपने कैमरा से क्लिक किया होगा, जो भी आपके फोन में फोटो होगा वो सारा का सारा आ जाएगा, जो कैमरा का क्लिक किया हुआ फोटो होगा। अब यहाँ पे आपको जो भी कॉपी करना है, यहाँ से जो भी फोटो निकालना है, जैसे कि यहाँ पे मैं इतने सारे फोटो को यहाँ से कॉपी करता हूँ, तो यहाँ पे राइट क्लिक करके यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं। यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया है। इसे आपको जहाँ भी पेस्ट करना है, जहाँ भी आपको डालना है, जो भी ड्राइव में आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे डाल देता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक नया फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। ये मैंने फोल्डर क्रिएट कर लिया, इसी में हम पेस्ट कर देते हैं। मैंने पेस्ट कर दिया और यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे फोटो यहाँ पे आ चुके हैं। तो इस तरह से आप भी जो है अपने मोबाइल के फोटोज को अपने पीसी में डाल सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं।